फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी अब तक आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। अनपढ़ महिला ने शिक्षा विभाग को ही चूना लगा डाला, वो भी कुछ दिन या महीनों से नहीं, बल्कि ये महिला पिछले 29 साल से पूरे विभाग को बेवकूफ बना रही है। 29 साल से सरकारी नौकरी कर रही है, वो तो एक गुप्त शिकायत उच्च अधिकारियों को गई तब जाकर ये खुलासा हुआ। आखिर 29 साल से कैसे आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, इस खास रिपोर्ट में आपको इस पूरे मामले को विस्तार से दिखाते हैं। कहते हैं एमपी गजब है, सबसे अजब है। तो एमपी में एक ऐसे कारनामे का खुलासा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में हुआ वो फर्जीवाड़ा जिसे सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग साक्षरता की अलग जगाता है, लेकिन उसके ही महकमे में पिछले 29 साल से एक अनपढ़ महिला पूरे विभाग को उल्लू बनाती रही, या यूं कहें 29 साल तक नौकरी करती रही, जो है तो अनपढ़, जिसने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब सुनिए कैसे 1995 में नियुक्ति हुई और अब तक किसी को पता ही नहीं लगा था। महिला फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रही थी। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भ्रष्ट के पद पर है, उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को, और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जौलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जौलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा अनुसूची की जाँच करने पर फर्जी पाई गई वो, और उसके आधार पर नियुक्ति हुई। पूरा मामला तफसील से सुनिए। लोक शिक्षण आयुक्त को एक गुप्त शिकायत पहुंची जिसमें आरोप लगा था कि अनीसा बेगम नाम की महिला फर्जी अंकसूची लगाकर भृत्य के पद पर भर्ती हुई थी। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई तो सब हैरान रह गए। महिला की दो अंकसूची में तारीखें अलग अलग थी, अनीसा अनपढ़ है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि ये गलत पाया गया, इस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। तो संयुक्त संचालक के द्वारा पूरा ब्रीफ दिया गया, उसके आधार पर उनकी विरुद्ध FIR दर्ज कराया। तो महिला कब से काम कर रही थी, किस पद में थी? इनका नियुक्ति हुई थी 1995 में और आकस्मिक निधि भ्रष्ट के रूप में काम कर रही थी। अब फिलहाल FIR अब महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया है, महिला को नौकरी से निकाला गया है, उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी, और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस पर विवेचना की जा रही है। एक एक जॉब के लिए कैसे काबिल लोग भटक रहे हैं, एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़ा होगा तो हकदारों का हक मारा ही जाएगा। आखिर इसका जवाब कौन देगा, कैसे ये चूक हुई, 29 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। वाकई MP गजब है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने अब तक ऐसी लूट नहीं देखी होगी। इस गैंग के निशाने पर एक खास चीज है जो बैंक को निशाना नहीं बनाता, ना ही घरों में डाका डालता, बल्कि इसके टारगेट पर कुछ और ही है। जिसने एक शख्स को बंधक बनाया, हाथ पैर बांधे, फिर लूट कर ले गए, उसे आखिर ये किस गैंग का काम है और इसके टारगेट पर क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस की टीम इस क्राइम सीन पर लुटेरों का सुराग तलाश रही है। फरियादी पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर रहा है, कैसे उसे बंधक बनाया गया, हाथ पैर बांधकर कैसे लूट की वारदात की गई। अजब लूट की ये गजब कहानी है। इस गैंग के निशाने पर एक अलग खजाना है, जो ना तो सोना लूटते हैं और ना ही बैंक में डाका डालते हैं, बल्कि इन्हें तलाश रहती है एक खास चीज। 5 जून की रात्रि लगभग 2 से 3 के आसपास एक रामेश्वर पाल थे, खेत में अपनी बकरियां और भेड़ रखे हुए थे। उनका कहना है कि 4 लोग आए और उनके हाथ पैर बांध दिए, और उसके बाद
जो भेड़ थी किसी वाहन में भर कर ले गए, जो 28 भेड़ और 4 बकरी बताई हैं। अब सीसीटीवी में पुलिस उस गैंग के सुराग तलाश रही है। यहां तक कि फरियादी को ऐसी ही वारदात करने वाले आरोपियों के फोटो दिखाए जा रहे हैं, कहीं उसी गैंग का काम तो नहीं। सवाल है कि आखिर क्या लूटा गया। दरअसल इस गैंग के निशाने पर मवेशी होते हैं। कभी ये गैंग भैंस चोरी करती है, तो इस बार इस गैंग ने भेड़ बकरी को निशाना बनाया। पूरी 32 भेड़ बकरी चुरा कर लोडिंग गाड़ी में भर कर ये ले गए। फरियादी को हाथ पैर बांध कर बंधक बनाया गया था। मामला ग्वालियर के बिजौली गांव का है। हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से उनकी तलाशी कर रहे हैं। जिस चोरी नहीं है, लूट है, और जिस तरह से उनने घटना की है तो रेकी हुई होगी, तो उस पर भी हम लोग बैक डेट पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से रेकी हुई। फरियादी से पूछ रहे हैं, उसको भी जो याद आ रहा है वो बताता जा रहा है। सुबह करीब 5:30 बजे गांव वालों की आहट सुनकर फरियादी रामेश्वर ने शोर शराबा किया। तब गांव वालों ने उसके हाथ पैर खोले तो लूट की घटना का खुलासा हुआ। लूट का पता चलते ही पुलिस की टीम मौका ए वारदात पर पहुंची। पुलिस हमारी अच्छी कार्रवाई कर रही है, हमें भरोसा है हमारी बकरी मिलेगी। आखिर कहां है वो गैंग, अगला निशाना कौन होगा? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।